फेमिनिज्म के ऊपर वीडियो मैं स्टार्ट कैसे कर सकती हूँ बिना स्क्रीन पे आप सबको डेफिनेशन दिखाए ऑफ व्हाट फेमिनिज्म रियली इज डिफाइंड एज। बट विमेन्स राइट्स एंड इक्वालिटी में तो मैं भी बिलीव करती हूँ, क्या इसका मतलब ये है आई एम अ फेमिनिस्ट? हेलो द इक्वालिस्ट एम्पायर, एक टाइम पे मैं भी फेमिनिस्ट थी बट not anymore definitely and especially modern day feminism ko dekh ke to not at all and this is where the hate comments begin. Feminism ke definition mein to women's rights and equality ki jo baat hoti hai sunne mein bahut achhi lagti hai, bahut perfect lagti hai aur wohi sunke main khud bhi ek feminist khud ko bolti thi. But after a while mujhe realize hua ye jo we believe in equality part hai ye ek bahut hi chhota sa part hai puri real picture ka. आप बहुत लोग को ऐसा बोलते हुए सुनोगे दैट आई बिलीव इन फेमिनिज्म इफ फेमिनिज्म मीन्स इक्वालिटी, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न फेमिनिज्म हो गया है देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी वी डोंट अग्री विद अ लॉट ऑफ इट. मेरे हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट की जगह ज़्यादा बात होती है यू आर अ विक्टिम बोलने की. उनका इक्वालिटी का डेफिनेशन भी शायद कुछ और ही है, बिकॉज इफ़ यू आर फाइटिंग फॉर इक्वालिटी तो आप कब बोलोगे कि हाँ इक्वालिटी अचीव हो गई है, जब सब 50-50 हो. ये 50-50 अचीवेबल नहीं है अनलेस आप गन लेके लोगों के सर पर डाल के बोलोगे कि भाई तू स्टेम फील्ड में पढ़ाई कर और तू ना MBA कर. When left to choose, I chose fashion design. And I want to ask a lot of the feminists who are watching this कि आपने क्या चूज किया. There are so many feminists who are in sociology, who are in journalism. There are so many women who choose to be stay-at-home moms. Equal opportunity जो है वो सबको मिलनी ही चाहिए. बट एट द एंड उसकी गारंटी नहीं होती है कि हाँ आउटकम भी सब चीज़ का 50-50 ही निकलने वाला है, बिकॉज यू नो वॉट पीपल लाइक द ऑप्शन टू चूज वॉट दे वॉन्ट टू डू. एंड आई नो कुछ होनहार कीबोर्ड वॉरियर्स जा ही रहे हैं टाइप करने फेमिनिज्म इज अबाउट लेटिंग वुमेन चूज. दे विल टेल यू कि फेमिनिज्म बोलता है इट शुड बी अ वुमन्स चॉइस कि आपके माइंड के साथ क्या करना है, बॉडी के साथ क्या करना है, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या ब्यूटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, शादी का क्या करना है, करियर का क्या करना है. इट शुड बी अ वुमन्स चॉइस. बट ये ना फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है. इसमें जो इन्फॉर्मेशन ओमिट आउट की हुई है इज दैट अगर आप एक कंजर्वेटिव वुमन हो, अगर आप एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, अगर आप कैपिटलिज्म में बिलीव करते हो, या अगर आप खुद को फेमिनिस्ट नहीं बुलाते हो, देन ईदर यू हैव मेड द रॉन्ग चॉइस या तो कंस्पिरेसी थ्योरी, ये आपकी खुद की चॉइस नहीं है, ये पेट्रियार्की ने आपके माइंड के साथ खिलवाड़ किया है, आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, नाउ यू आर इंटरनली मिसोजिनाइज्ड. ओह माय गॉड. बट आज तक रूरल इंडिया के बारे में भूल गई क्या? ग्रास रूट फेमिनिज्म, यू आर जस्ट टू प्रिविलेज्ड टू सी द रियल इश्यूज. यू नो हु एक्चुअली डजंट गिव एन एफ अबाउट रियल इश्यूज? मोस्ट मॉडर्न डे फेमिनिस्ट. क्योंकि रूरल इंडिया के बारे में ना तो उन्हें तभी याद आता है जब कोई और फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज कर रहा हो. अच्छा एक बात बताओ मुझे, इफ देर आर एनी रूरल वुमेन और नॉट सो प्रिविलेज वुमेन अगर वो हेल्प ढूंढ रहे हैं, डू यू थिंक दे केयर एट ऑल इफ यू कॉल योर सेल्फ अ फेमिनिस्ट और नॉट? इनफैक्ट मेरी एक अक्वेंटेंस है, मैंने कभी उसको कुछ फेमिनिस्ट फेमिनिज्म के बारे में बोलते हुए नहीं सुना है. डोंट थिंक शी केयर्स. बट शी एंड हर मदर अलॉन्ग विद अदर्स दे हैव अ नाइस बिग NGO विच हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल इन द रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया हु नीड हेल्प. माई मदर शी रन्स अ स्मॉल NGO. वो कभी कभी वुमेन्स इशूज़ पिकअप करते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड के लिए इशूज़ पिकअप करते हैं. एंड गेस वॉट, she is not a feminist. There are in fact a lot of things about feminism which she doesn't agree with. And in fact I feel a lot of women in rural India, a lot of women who are not so privileged, wo much more strong hai than your regular everyday feminist. So I strongly believe that modern feminism ki koi bhi baat karne se rural India mein ya not so privileged women ke sath kuch help to nahi ho rahi hai. I know everybody can't go there and help. It's not like main bhi bahut kuch karti hu. But ye point use karna to guilt people into being feminists, that won't ride with me. एक और ये गिल्ट ट्रिपिंग की टैक्टिक है जो मेरे साथ भी किसी ने यूज़ की है, दैट इफ यू एवर फेस सेक्सुअल असॉल्ट फेमिनिस्ट ही आने वाली है तुम्हारी हेल्प करने. फेमिनिस्ट आर द ओनली वंस हु आर गोइंग टू बिलीव यू. या राइट. सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, दे आर पैथेटिक क्राइम्स. एंड इन आर कंट्री फॉर वुमेन
वी हैव दीज लॉज इन प्लेस टू हेल्प. आई नो बोलना इज मच ईजियर देन जो एक्चुअली कोर्ट में जाता है जिसके ऊपर एक्चुअली ये बीतती है. बट वॉट इरिटेट्स मी दैट कुछ फेमिनिस्ट ने ये क्राइम्स का मजाक बना के रख दिया. अगर आप मी टू मूवमेंट में बिना कोई भी ड्यू डिलिजेंस के किसी को ब्लेम करोगे, अगर बिलीव वुमेन ओवर बिलीव फैक्ट्स बोलोगे, तो कौन सेन इंसान उसके बाद आके आपकी सुनने वाला है? 498A जैसे बहुत सारे लॉज हैं अराउंड डोमेस्टिक वायलेंस जो इंडिया में मिसयूज होते हैं. देयर इज अ होल डॉक्यूमेंट्री अबाउट इट कॉल्ड मैटर्स ऑफ मैरिज. देयर आर दीज वुमेन जिन्होंने अपने फेक केसेस के साथ कोर्ट्स को क्लॉग कर दिया है. जो रियल विक्टिम्स है, दे डोंट गेट देयर जस्टिस ऑन टाइम फॉर दैट वेरी रीजन. बट ओके, आई गेट दैट फेमिनिज्म इज अ वुमेन्स मूवमेंट. आपको ये मेन्स इश्यूज के बारे में बात नहीं करनी है या आपको ये इशू इग्नोर करना है टू नॉट शो सर्टेन वुमेन इन अ बैड लाइट. बट दैट्स द थिंग, फेमिनिस्ट इसे इग्नोर भी नहीं करती हैं. दीपिका नारायण भारद्वाज हु इज द डायरेक्टर ऑफ मार्टर्स ऑफ मैरिज, फेमिनिस्ट हेट हर. इनफैक्ट देयर इज ऑल्सो change.org पेटिशन टू बैन दैट मूवी. वाई मैं इसके बारे में बात भी क्यों कर रही हूँ इज बिकॉज मेरी खुद की जो जर्नी है फ्रॉम बींग अ फेमिनिस्ट टू नॉट बींग वन, उसमें दीपिका भारद्वाज के टेड टॉक का जो वीडियो था, इट प्लेड अ बिग रोल. एंड ऑल्सो दीपिका पडुकोन का जो माई चॉइस वीडियो था, दैट प्लेड अ बिग रोल. आई रियलाइज फेमिनिस्ट आर जस्ट गोइंग टू टेक यू इन सर्कल्स. अगर आप एक एक्स फेमिनिस्ट हो या अगर आप एक करंटली वेरी कन्फ्यूज फेमिनिस्ट हो, आई एम सो श्योर यू गॉन थ्रू समथिंग लाइक दिस. सो इफ यू आर अ फेमिनिस्ट और आप किसी और से डिसएग्री करो, यू कैन ईजली से दैट इज नॉट रियल फेमिनिज्म. और जब कोई और फेमिनिस्ट हैं जो आपके ओपिनियन के साथ अग्री नहीं कर रहे हैं, जैसे देर वॉज अ टाइम वेयर दीपिका का वीडियो देखने के बाद मैं 498A में रिसर्च कर रही थी, उसके बारे में इंक्वायर कर रही थी, बात कर रही थी, वो घूम के आपको बोलेंगे यू आर नॉट अ रियल फेमिनिस्ट. एंड व्हेन दिस हैपेंड विद मी आई वाज शॉक्ड. आई वाज लाइक, मैं तो इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ यार, वी वर फ्रेंड्स टिल यस्टरडे. कैसी जे एंड लेसी ग्रीन भी ऐसी दो फेमिनिस्ट हैं हु आर वेरी वोकल अबाउट फेमिनिज्म. उनका माइंड थोड़ा चेंज हुआ एंड नाउ फेमिनिस्ट हेट देम अगेन. कुछ लोग हैं जो आपको इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म के बारे में बताएंगे, कुछ हैं जो आपको फेमिनिज्म का डेफिनेशन देंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे इट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द मेंटल लेबर टू टीच यू अबाउट फेमिनिज्म. बट उनमें से कोई भी कभी भी आपको रियल फेमिनिज्म क्या होता है वो नहीं बता पाएगा. जब तक आप यस यस बोलते रहो, एवरीथिंग विल बी गुड. But when you have a different opinion, you'll be thrown out of these feminist circles. Not being a feminist or having issues with the feminist movement, uska matlab ye nahi hota that you are anti-women. And speaking about Deepika Padukone aur Vogue ka jo video aaya tha, My Choice wala, uska praise dekhke from other feminists, I realized that shock value for them is far more important than मेकिंग अ रियल पॉइंट. मैंने इस पर बहुत साल पहले एक वीडियो बनाया था ऑन यूट्यूब, लेट्स सी इफ यू कैन फाइंड दैट, विच इज़ दैट हाँ यार तुम्हारी चॉइस है, जो करना है करो, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं, सो थिंक अबाउट दैट टू. तुम ये भी बताओ ना कि माई चॉइस बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एंड बार बार फेमिनिस्ट हैव बीन अक्यूज ऑफ दैट, दैट यू डोंट स्पीक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बट आई नो इसके बाद क्या क्वेश्चन आने वाला है कि अच्छा फेमिनिज्म नहीं तो कौन कौन हेल्प करेगा हाँ वुमेन की, ये इक्वालिस्ट क्या होता है, इक्वालिस्ट मूवमेंट हेल्प करेगा क्या? फर्स्टली आई नो दैट फेमिनिज्म इज नॉट गोइंग एनीवेयर एनी टाइम सून. आई विल ऑल्सो से नॉट ऑल फेमिनिस्ट, सब नहीं होते हैं जो ये स्टीरियोटाइप का एक बड़ा पार्ट होते हैं. इनफैक्ट देर आर सम वुमेन जो मुझे मैसेज करती हैं हु कॉल देमसेल्फ फेमिनिस्ट बट दे अग्री विद क्वाइट अ लॉट ऑफ व्हाट आई हैव टू से. तो आई कैन ओनली होप that there are fewer and fewer entitled feminists, overly intellectual, I am better than you type of feminists that we come across. And about the term equalist aasta. So ab ye channel maine 16-17 saal ki age mein banaya tha, tab tak main kafi had tak feminist thi definitely. But jo maine channel banaya tha, what I wanted is ki you know main sexual orientation ki bhi baat karun aur main race ki bhi baat karun, मेंस राइट्स की भी बात करूं. एंड तब इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट जैसा कुछ फेमस ट्रेंडी वर्ड नहीं था. सो समथिंग दैट्स इजी टू रिमेंबर, इजी टू अंडरस्टैंड, वो सोच के मैंने बना दिया भाई इक्वलिस्ट था. उसके बाद आई हैव इवॉल्व्ड
and grown, but my core values are the same. I still believe in equality of opportunity. लोगों को ये नाम याद रहता है, कुछ और लोग भी मेरे साथ ये यूज़ करते हैं, which I think is very cute. So I kept it. And also it's really funny to see sometimes जब कुछ modern day feminists होती हैं, उनको मेरे videos या posts के बारे में कुछ ढंग की argument नहीं होती उनके पास, तो वो इक्वालिस्ट आस्था नाम पे ही मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं. इक्वालिटी में बिलीव करते हैं तो पता नहीं इक्वालिस्ट वर्ड से इतनी एलर्जी क्यों होती है. Oh my god, you call yourself an equalist? If you believe in equality, you are a feminist. Go educate yourself on feminist theory, go read a book, and stop doing this for male attention. I mean, how is it that a movement that claims ki, you know, it is about women making choices doesn't give you the option to choose whether to be a feminist or not? If you're a woman who's relating to this, aapke saath bhi aisa hua hai. I'm sure you need a place to talk and speak about this if you want to help build yourself up and have a place where you can have a healthy discussion without being cancelled, then definitely do join this group. Link is in the description. I know there are groups like this which are mixed for everybody, groups like this for men. I'm sure there are some for women as well. Mujhe inke baare mein nahi pata, so I just made my own. Anyway, that is all for this video. Let me know your thoughts in the comments down below. I am sure maine isme bahut sare points miss kiye hain, but I'm tired. Whatever I missed, I might cover in another video. So please do follow, please do subscribe to see more videos like this. Thank you so much for watching. Bye-bye. I'll see you soon.